तो आकांक्षा केस में एक बार फिर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है संदीप सिंह को लेकर। जी हाँ, संदीप सिंह का होटल में आते हुए सीसीटीवी फुटेज तो सबने देखा मगर जाते हुए नहीं। तो अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि संदीप जिस दरवाजे से अंदर आया था उस दरवाजे से गया नहीं और इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में वो सिर्फ आते हुए दिखाई दे रहा है, जाते हुए नहीं। वहीं आकांक्षा के कमरे से शराब की बोतल भी बरामद की गई थी और पुलिस ने ये बात भी छिपाई थी। अब जब आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसके पेट में अल्कोहल नहीं था तो ये शराब वहाँ कमरे में किसने पी, आकांक्षा के साथ कमरे में कितनी देर रहा था संदीप सिंह और फिर कहाँ से या किस दरवाजे से निकल गया, आपको दिखाते हैं बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अरेस्ट संदीप सिंह जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो होटल का सीसीटीवी फुटेज हम सब ने देखा जिसमें हमें संदीप सिंह होटल में आता दिखा मगर जाने का वीडियो सामने नहीं आया। आकांक्षा की माँ मधु दुबे, फैंस लगातार उस फुटेज की डिमांड करते रहे कि हम सबको संदीप सिंह का वो फुटेज भी देखना है जिसमें वो 17 मिनट बाद कमरे से बाहर निकलकर जा रहा है। होटल से लगातार इस बात की डिमांड होती रही है कि हमें वो फुटेज भी दिखाओ और होटल ने सफाई देते हुए यही कहा है कि वो फुटेज डिलीट हो चुका है, अब हमारे पास वो फुटेज अवेलेबल नहीं। होगा भी कहां से जब संदीप सिंह उस कमरे में ही रुका हुआ था। ये तो हम सब समझ ही चुके हैं कि संदीप सिंह कमरे में सिर्फ 17 मिनट नहीं था बल्कि वो कई घंटे कमरे में ही था और आकांक्षा के कमरे में मिली शराब की बोतल इस बात को कंफर्म करती है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि आकांक्षा के कमरे की जांच में पुलिस को वहाँ एक खाली शराब की बोतल भी मिली थी और ये बात भी पुलिस ने छिपाई। अब सवाल उठता है कि जब आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट से ये कंफर्म हो चुका है कि आकांक्षा ने कोई भी किसी भी तरह का अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था तो वो खाली शराब की बोतल वहाँ कैसे आई, ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये शराब की बोतल संदीप सिंह की हो। जी हाँ, फैंस का मानना है कि ये खाली शराब की बोतल संदीप सिंह की हो सकती है और उसी शराब के नशे में उसने आकांक्षा के साथ वो दरिंदगी की, उसकी जान ले ली। अब यहाँ सोशल मीडिया पर एक और थ्योरी भी निकल कर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि संदीप सिंह का जाते हुए फुटेज इसीलिए सामने नहीं आ पाया क्योंकि संदीप सिंह उस कमरे के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था बल्कि आकांक्षा के कमरे में एक सीक्रेट सुरंग थी जहाँ से संदीप इस वारदात को अंजाम देकर निकल गया था। अब हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते मगर कुछ लोगों का यही मानना है, हालांकि हमें ये अफवाह ही लग रही है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सारे सबूत सारे तथ्य सामने रखे और ये भी बताए कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, अब तक की जांच में क्या क्या निकल कर आया है ताकि इन अफवाहों को जोर न मिले। मगर ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है क्योंकि पुलिस खुलासे करने के बजाय फैक्ट्स को छिपाने में लगी हुई है। कई ऐसे लोग जिन पर इस केस में लगातार आरोप लगते आए हैं वो बेखौफ आजाद घूम रहे हैं। संदीप सिंह, अरुण श्रद्धा, अनुराधा सिंह, इन सबसे अब तक पूछताछ तक नहीं हुई तो ऐसी पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या उम्मीद की जाए। अब सीक्रेट सुरंग वाली बात सच हो ना हो मगर ये तो कंफर्म है कि वो खाली शराब की बोतल संदीप सिंह की ही थी और वो कमरे में सिर्फ 17 मिनट नहीं था बल्कि काफी देर था और फिर वो वापस भी उसी दरवाजे से गया था जिससे कि आया था। हाँ, उसका फुटेज सामने नहीं आ पा रहा क्योंकि होटल स्टाफ, होटल मैनेजर भी इस पूरी साजिश में शामिल नजर आ रहा है। क्या आपका भी यही मानना है, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक बार फिर आकांक्षा केस में संदीप सिंह को लेकर मिल गया है नया सुराग। कमरे में बिताए 17 मिनट को लेकर आ गया है नया अपडेट, खड़े हो गए हैं नए सवाल। जी हाँ दोस्तों, समर सिंह ने संदीप सिंह को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे कि ये पूरा केस नई दिशा में जाता दिख रहा है और इस पूरे केस में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा संदिग्ध संदीप सिंह और होटल ही नजर आ रहा है क्योंकि होटल यहाँ पूरी तरह संदीप सिंह को बचाते हुए नजर आ रहा है। मगर बावजूद इसके उस दुपट्टे को लेकर मिल गया है बहुत बड़ा क्लू जिससे कि संदीप सिंह, पुलिस और होटल तीनों की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। तो आखिर उन 17 मिनट में क्या हुआ था कमरे के अंदर संदीप और आकांक्षा के बीच, कैसे संदीप सिंह को बचाता नजर आ रहा है होटल और पुलिस और क्या है बैंगनी दुपट्टे को लेकर मिली वो लीड, आपको दिखाते हैं बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने।
तो शुरू से ही संदीप सिंह आकांक्षा केस में सवालों के घेरे में रहा है। संदीप सिंह ही वो शख्स है जिसने पार्टी से लौट रही आकांक्षा की गाड़ी बदलवाई और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे होटल तक छोड़ने आया। अब संदीप ने अपने बयान में बताया था कि पार्टी से लौटी आकांक्षा ड्रंक थी, बिना सहारे के वो चल तक नहीं पा रही थी, इसीलिए ही मैं उसे होटल तक छोड़ने गया था, जिसका समर्थन होटल स्टाफ ने भी किया था कि संदीप सिंह आकांक्षा को सहारा देते हुए कमरे तक गया था, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में हम सब ने देखा था कि आकांक्षा खुद पूरे होश आवाज में होटल पहुंची थी और आकांक्षा की पीएम रिपोर्ट भी ये साफ कर चुकी है कि उसके पेट में किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं पाया गया। ऐसे में यहां संदीप सिंह और होटल दोनों ही पूरी तरह झूठे साबित हुए और इनके साथ साथ पुलिस भी तब शक के घेरे में आ गई, सवालों के घेरे में आ गई, जब ये फुटेज सामने आने के बाद भी संदीप सिंह को नहीं दबोचा गया। उसका इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने पर उससे सवाल नहीं किया गया, होटल स्टाफ से भी नहीं पूछा गया कि उन्होंने संदीप के इस झूठ का समर्थन क्यों किया, क्यों संदीप सिंह का जाते हुए फुटेज नहीं दिखाया। वहीं अब उस बैंगनी कपड़े, उस दुपट्टे को भी संदीप सिंह से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमने आपको अपनी पिछली एक रिपोर्ट में आकांक्षा दुबे और पुलिस के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई थी, जिसमें मधु दुबे पुलिस से सवाल कर रही है कि जब मेरी बेटी सलवार सूट पहनती नहीं थी और न ही अपने साथ दुपट्टा रखती थी, तो ये दुपट्टा उसके पास कहाँ से आया। ऐसे में पुलिस पलटकर जवाब देती है कि हो सकता है ये दुपट्टा वो शूटिंग के सेट से ले आई हो, तो मधु दुबे यहाँ साफ कहती हैं कि सेट का सारा सामान, सारी चीजें सेट पर ही छोड़ दी जाती हैं, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाया जाता। वहीं आपको ये भी बता दें दोस्तों कि 25 को अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंची आकांक्षा का शूट 26 मार्च से शुरू होना था, वो 25 को तो सेट पर गई ही नहीं थी। ऐसे में इस रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद फैंस भी सवाल उठाने लग गए हैं कि आखिर नाइट सूट पहनी आकांक्षा के पास अचानक वो बैंगनी दुपट्टा कहां से आ गया, क्यों पुलिस ने अब तक इस बात की गहराई से जांच नहीं की। तो अब मधु दुबे के इस सवाल के बाद फैंस एक बार फिर आकांक्षा का वो आखिरी वीडियो देख रहे हैं और कई फैंस का कहना है कि ये दुपट्टा उस कमरे में संदीप सिंह के साथ ही पहुंचा है। जी हाँ, फैंस एक बार फिर बेहद बारीकी से वो वीडियो देखते हुए कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह आकांक्षा ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बार बार अपने अगल बगल देख रही है, लेफ्ट राइट देख रही है, उससे साफ महसूस होता है कि वो उस वक्त कमरे में अकेली नहीं थी, कोई और भी उसके साथ था। और अब फैंस का यही कहना है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि संदीप सिंह ही हो सकते हैं। जी हाँ, और इस शक को और पुख्ता बना रहा है समर सिंह का बयान, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि संदीप सिंह आकांक्षा के बहुत करीब था, जिससे उसे दिक्कत थी और इसी वजह से ही दोनों के रिश्ते में दरार आई थी। हालांकि समर सिंह ये सब अपने बचाव में यूं ही भी कह सकता है, मगर ये तो हम सब ने देखा कि इतनी रात आकांक्षा को छोड़ने आए संदीप सिंह को आखिर उसके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी। वो अगर वाकई सिर्फ आकांक्षा को छोड़ने आया था तो उसे कमरे तक छोड़कर वापस क्यों नहीं लौट गया, इतनी देर रात आकांक्षा के कमरे में क्यों घुस गया। और अगर मान भी लिया जाए कि संदीप सिंह इस कमरे में सिर्फ 17 मिनट ही था, तो आखिर उन 17 मिनट में कमरे के अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, संदीप उस कमरे में 17 मिनट तक क्या कर रहा था, पुलिस ने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया, होटल ने संदीप के लौटने का फुटेज क्यों जारी नहीं किया। ये सारे सवाल अब उस बैंगनी कपड़े को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब बनते नजर आ रहे हैं दोस्तों, जहां फैंस का साफ मानना है कि वो दुपट्टा संदीप सिंह अपने साथ लाया था, उसने पूरी प्लानिंग के साथ ही उसकी गाड़ी बदलवाई और प्लानिंग के साथ ही उसके कमरे में घुसा, और वीडियो बनाते वक्त भी जिस तरह आकांक्षा अपने आस पास देख रही है, उससे अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि संदीप सिंह ही उस वक्त आकांक्षा के साथ कमरे में हो सकते हैं। वहीं हम सब ने देखा कि आकांक्षा के फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे और जैसे ही आकांक्षा अपना फोन उठाती है वैसे ही ये वीडियो एकदम से बंद हो जाता है और फिर आकांक्षा दोबारा लाइव नहीं आती, क्योंकि उसके बाद कमरे में जो कुछ हुआ, आकांक्षा के साथ जो अंधेर हुआ, वो संदीप सिंह ने ही किया हो सकता है।